Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है बी यू का वाई 12A। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस फोन में एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस फोन में ऐप लॉक सेट करना है, आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टेप रहेंगे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताएं, वो आप फॉलो करके बहुत आसानी से फिर आप ऐप लॉक को सेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपका जो कंट्रोल बार है आपको इस तरीके से ओपन करना है। यहाँ पे एक आइकन आपको देखने को मिल जाता है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है ऐप लॉक, तो यहाँ पे हम ऐप लॉक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे एक पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है। अगर आप पासवर्ड ना डाल के यहाँ पे पैटर्न वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप 4 अंकों का पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और पैटर्न लगाना चाहते हैं तो आप पैटर्न भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, जो भी आपको पासवर्ड लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सिंपल हम इस तरीके से यहाँ पे पासवर्ड के लिए सेलेक्ट कर देते हैं। और क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये सेलेक्ट करने के बाद आपको दो बार यहाँ पे कंफर्म कराना था वही पासवर्ड इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे एक प्राइमरी स्कूल का नाम पूछा जाता है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये आपको सेट जरूर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी कभी कभार ऐसा हो जाता है आप ऐप लॉक भूल जाते हैं, तो आप ये सिक्योरिटी आंसर देके अपना ऐप लॉक को रिकवर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी डालते हैं वो फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे डालना है जो आपको याद रहे, और फिर आप बहुत आसानी से इसको रिकवर कर सकें। तो हम फ्रेंड दोनों जगह अपना नाम यहाँ पे डाल देते हैं और ओके इसको कर देते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा ऐप इंक्रिप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने में फ्रेंड्स आपके सामने वो सभी एप्लीकेशन आ जाएंगे जो कि आपको इस फोन में लॉक करने को मिल जाते हैं। तो किस एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है वो आप आने के बाद आप इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर दीजिए। एक सेटिंग और बताने वाले हैं फ्रेंड्स इस फोन की ऐप लॉक की, जो कि आपको आगे पता चलेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन को लॉक करते हैं। अब लॉक करने में फ्रेंड्स जैसे हमने गूगल क्रोम यहाँ पे लॉक कर दिया है, अब हम इसको ओपन कराएंगे तो ये ऐप लॉक हमारा पूछना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ से पहले इसको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने में जब स्क्रीन पाते हैं अपने डेस्कटॉप पर, तो हम जब अपना गूगल क्रोम के लिए ओपन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा ऐप लॉक है वो पूछना तो शुरू कर देता है, बट हम इसको एक बार ओपन कर लेंगे, दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐप लॉक ये नहीं पूछेगा। तो हम यहाँ पर से सेटिंग भी कर सकते हैं कि हर बार से हम जब इस एप्लीकेशन को ओपन करें तो हर बार हमसे ये ऐप लॉक पूछे जाए, तो ये भी सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्या करना है, हमें फिर से वहीं जाना है, अपने ऐप लॉक पे यहाँ पे क्लिक करना है आइकन पे और ऐप लॉक पे जाना है। जो भी हमने ऐप लॉक यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो हमें यहाँ पे डालना है, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऐप इंक्रिप्शन, इस पे आइए। अब यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऐप लॉक टाइम, इस पे क्लिक करके आपको ये बीच वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होता है। अब आपको जो भी एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किया है ऐप लॉक के लिए वो जितनी बार आप ओपन करेंगे उतनी बार आपसे यहाँ पे ऐप लॉक पूछा जाएगा। तो हमने इस तरीके से एक बार इसको ओपन करा लिया, और दोबारा से हम इसको ओपन करेंगे तो फ्रेंड तब भी हमसे ये ऐप लॉक पूछेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आप ऐप लॉक की कुछ सेटिंग भी कर पाते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर।